नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, शुरू करें कानों देखे किस्से। अगर हम पुरानी चीज़ों को देखें तो सबसे दिलचस्प चीज़ जो अदालतों में होती है वो होती है अजीब अजीब सी याचिकाएं। पूरे देश की अदालतों में काम की याचिकाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन उससे किसी मायने में कम नहीं होती ये अजीब अजीब सी याचिकाएं। अब साहब एक याचिकाएं देख लीजिए, इतने साल बाद जब हम नेताजी की जन्म शताब्दी मना चुके तो एक याचिका आई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था, एक हैवियस कॉर्पस याचिका थी जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोर्ट में पेश करने की का आदेश करने की मांग की गई थी। हैवियस कॉर्पस होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। कई बार लोग ऐसे लोग जो किसी ने अपहरण कर लिया हो, कोई किसी को बहला फुसला कर भगा कर ले गया हो, किसी ने किसी को जबरन अपना नज़रबंद कर लिया हो, तो उसके लिए एक हैवियस कॉर्पस याचिका दाखिल की जाती है जिसमें कोर्ट से कहा जाता है कि आप पुलिस और प्रशासन से कहिए कि वो उसे कोर्ट में लाकर पेश करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। अब हम सारे कोर्ट में वही पुराने किस्सों को याद कर करके हंस रहे थे। उसमें एक किस्सा ये भी याद आया कि एक PIL के मास्टर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, कई PIL दाखिल कर चुके हैं और PIL के चक्कर में लाखों रुपए का उनके ऊपर जुर्माना भी हो चुका है कि ये कैसी याचिका लेकर आए हैं, ये कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली याचिका है। उस समय का जो चीफ जस्टिस थे लोढ़ा साहब, RM लोढ़ा जी, उनकी कोर्ट में वो पिटीशन आई तो उन्होंने कहा कि यस, क्या है पिटीशन। उन्होंने शुरू की दिस दैट ये वो सारा कुछ बताया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऐसे रहस्यमय हालत में वो गायब हो गए और हमारी कोर्ट से दरख्वास्त है कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका इस पर सुनवाई हो और कोर्ट सरकार को आदेश दे कि नेताजी को कोर्ट में पेश किया जाए। वो मरे नहीं थे और नेताजी का कहीं देहांत और निधन नहीं हुआ था, वो वहाँ से चले गए थे और उसके बाद वो कहाँ गए किसी को नहीं पता और ना उस समय की सरकार ने पता लगाने की कोशिश की, तो अब कम से कम ये पता लगाया जाए। 20 मिनट तक वो अपने आर्ग्यूमेंट देते रहे और चीफ जस्टिस सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि मिस्टर काउंसल, यू स्टिल बिलीव दैट नेताजी इज मे बी अलाइव। उन्होंने कहा यस माय लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि नेताजी अभी हैं और उनको कोर्ट में पेश करने के जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि लिखो ऑर्डर। लिखा, उन्होंने लिखा कि दिस पिटीशन इज टोटली होपलेस और जिस तरह से इन्होंने अदालत का समय बर्बाद किया इन पर 1,00,000 रुपये जुर्माना लगाया जाए। उसके बाद वकील साहब के तोते उड़ गए। उन्होंने कहा नो माई लॉर्डशिप, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बेसलेस, होपलेस, सब तरह से लेस है ये याचिका, यह आपने कैसे लगा और आपने सोच कैसे लिया कि हम इसको एंटरटेन करेंगे। तो उनके एकदम तोते उड़ के उन्होंने कहा कि इतना, उन्होंने फिर लास्ट में कहा कि आप मेरी हालत देखिए, मैं आपको लगता है कि 1,00,000 रुपये पेमेंट करने वाला हूँ, तो कोर्ट ने फिर आधा कर दिया और चीफ जस्टिस लोढ़ा ने वो आधा किया। बाद में फिर उन्होंने अगली पेशी में फिर उसे भी वेब ऑफ करा लिया था। ऐसे उन पर अलग अलग चीफ जस्टिस ने अलग अलग टाइम पे, किसी ने 10,00,000, किसी ने 5,00,000, किसी ने 50,000, ऐसे बहुत सारे फाइन लगाए कि आप ऐसे बेसिर पैर की याचिकाएं लेके आ जाते हैं और हटाइए, खारिज भी होती हैं और उन पर जुर्माना भी लगता है। कई बार तो उन्होंने पेश भी किया, एक बार तो कोर्ट ने जुर्माना वसूलने के लिए उनके घर आदमी भेज दिया था रजिस्ट्री का और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से पैसा दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से। तो वही वकील साहब हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो किस्से लेकर हम हाजिर होते हैं, बहुत सारे मीडिया में नहीं आ पाते हैं, लेकिन अब किस्सों का दौर है तो ऐसे बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं जो मैं आपके आगे लेकर आता हूँ। अब बात करें कुछ आज की बड़ी खबरों की, तो आपको याद है कि जब किसानों ने कृषि और किसानों के बिल पर आंदोलन शुरू किया था तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। कमेटी शुरू से ही थोड़ा विवादों में रही, विवादों में इसलिए रही कि कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे किसानों के नुमाइंदे प्रतिनिधि BS मान साहब, उन्होंने कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि एक तो किसानों का दबाव भी है और दूसरा उनका ये भी कहना था कि जो बाकी सदस्य बनाए गए ये तो पहले ही किसी प्लेटफॉर्म पे ये कृषि बिलों का समर्थन कर चुके हैं, इनके साथ कमेटी में रह के क्या होगा, हमें नहीं रहना कमेटी में। तो कमेटी 3 लोगों की बनी। कमेटी ने 19 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी।
हालांकि किसानों की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा था, लेकिन बाकी और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके उन्होंने और इसका क्या समाधान निराकरण हो सकता है इस समस्या का उसके बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की, सौंप दी कोर्ट को। अब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस को, हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि कमेटी की तरफ से चिट्ठी नहीं है, अपनी तरफ से अनिल धनवत जी, और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए क्योंकि हमने जो भी सिफारिशें की अगर उस पर अमल किया जाए तो हो सकता है कि किसानों और सरकार के बीच में जो बर्फ़ जमी है वो बर्फ़ पिघले। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला वो भी चर्चा में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक मामले में कहा कि कोई भी मंदिर है और उससे जुड़ी हुई संपत्ति है तो उसका मालिक, उसके जो स्वामी हैं, वो वहाँ के अधिष्ठाता देवता होंगे, ना कि पंडित पुजारी या प्रबंधन समिति या प्रबंधक। और ये साफ कर दिया कि भू राजस्व रिकॉर्ड में यानी लैंड रिकॉर्ड्स में देवता का नाम ही मालिकाना हक में लिखा जाएगा, किसी भी और आदमी का नहीं लिखा जाएगा, और जिन लोगों के नाम लिखे हुए उनके नाम काटे जाएं। तो ये बड़ा फैसला है और इसका असर बहुत देर और बहुत दूर तक जाएगा, एक नज़ीर है। अब हम चलते चलते आपसे बात करें कि आप लोगों ने बड़ी सलाहें दी हैं और बड़े सुझाव दिए हैं। जो पिछला कार्यक्रम अपना था जिसमें मैंने बताया था कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे उस समय और उन्होंने एक वकील से कहा था, लेकिन ये चीफ जस्टिस नहीं थे उस समय, वो जज थे और चीफ जस्टिस हुए बाद में, उन्होंने एक वकील से जब उनकी बड़ी अजीब सी याचिका आई और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है, सिर्फ सीनियर एडवोकेट्स को सुनती हैं अदालतें और अदालत हमारे साथ ये भेदभाव करती है, वो भेदभाव करती है, ऐसा और वैसा, बहुत सारी चीज़ें जब बताई तो उन्होंने फिर उनको कहा था कि एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ, आप कितने भी दिन ले लो, पूरे जगह घूमो, माइथोलॉजी में देखो, कहीं भी देखो, कोई ऐसा आदमी बताओ जिसकी किसी ने आलोचना नहीं की हो, तो आप जो आलोचना कर रहे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम पे, आलोचना ऐसे ही करते हैं, लोगों का काम है कहना। तो इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएँ हैं। मोहन जी ने लिखा है कि संजय जी आज की रोचक मनोरंजक एवं उपयोगी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मोहन जी। और अनिल गोयल साहब लिखते हैं, यू शुड वेयर ब्लैक कोट सर वाइल मेकिंग सच वीडियो और मेक इट मोर इम्प्रेसिव। अमूमन ये होता है कि अधिकतर हम बाहर शूट करते हैं और बाहर अभी थोड़ी सी हवा चल रही है, नहीं तो इतनी गर्मी होती है कि उबल के कलेजा बाहर आ जाए, इसलिए अभी तो जैकेट वैकेट नहीं पहन रहे हैं, लेकिन हाँ जल्दी मौसम ठीक हो जाएगा तो जैकेट भी पहनेंगे। आपका सुझाव, आपकी सलाह, आपका आदेश सिरमाते, इस पर हम अमल करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इमोजी बनाए हैं जिसपे उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है इस कार्यक्रम को लेकर। और आस्था त्रिपाठी वो लिखते, सर बहुत प्यारा शो है आपका, आई सजेस्ट यू कि जब आप कोर्ट के किस्से ही सुना रहे हैं तो ऐसे लेजेंडरी जजमेंट सुनाइए जिससे समाज में ये मैसेज जाए कि इतने स्लो सिस्टम में भी जस्टिस ज़रूर मिलता है। यू कैन स्टार्ट अ सीरीज ऑफ लेजेंडरी रेप केस वोन बिफोर द शो, यू कैन हैव अ डिस्कशन विद द कंसर्न एडवोकेट्स टू हैव मोर फैक्ट्स। इंटरटेनमेंट के साथ इसे समाज के एक पॉजिटिव अप्रोच भी आएगी जुडिशरी को लेकर। बिल्कुल आपका ये आदेश बहुत ही अच्छा है और सुझाव भी अच्छा है। हम शॉर्टकट में जितना बता सकते हैं उतना हम बता देंगे, क्योंकि हमारे छोटा कार्यक्रम है तो इसको हम कोशिश करेंगे कोई एक जजमेंट जिस पर हम बात करें आपसे। सर प्लीज़ डिटेल में सुनाइए किससे जिससे ज़्यादा नॉलेज मिल सके। मलिक फैमिली, तो मलिक फैमिली को मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और डिटेल में तो किससे उतना टाइम भी नहीं होता, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी डिटेल में सुना सकूँ उतने में सुनाऊँ ताकि रस भी बना रहे, नहीं तो क्या होता है कि चीज़ों को खींचने से फिर वो मोनोटोनस हो जाती हैं और उसमें फिर बोरियत आने लगती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल क्रिस्प एंड शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बताऊँ। फिर अनिल दलाल साहब ने वही सवाल किया, सर इसका नाम कानों सुनी होना चाहिए, लेकिन आप शायद कानों से देख लेते होंगे। तो मैंने इनको जवाब भी लिखा है कि देखना पड़ता हमें कानों से, क्योंकि वो सुनवाई होती है, दिखाई नहीं होती कोर्ट में, कानों से ही सुनना पड़ता है। और आप लोगों के लिए बिना देखे हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी भी मानना है कि आँखों देखे पर विश्वास करो, कानों सुने पर नहीं, इसलिए हमें कानों से देखना पड़ता है, कहीं तो देखें ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी बता सकें। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि नेट और इन सारी चीज़ों पर देखने से कभी कभी भूल चूक हो जाती है, लेकिन वो भूल चूक लेनी देनी, तो हमें यकीन है कि आप हमारी भूल सुधारेंगे भी और उन्हें माफ़ भी करेंगे, ताकि और हमें इतनी शक्ति मिले, जैसे कोर्ट ने भी कहा था एक फैसला देते समय कि ईश्वर हमें, यो हनी सिंह के फैसले में, ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि हम दोनों पक्षों के साथ न्याय कर सकें, दोनों को लगे कि हाँ न्याय हुआ है। तो साहब ये कानों से देखना पड़ता हमें। और शिव सिंह लिखते हैं, सर जी पहले 8 महीने से यूपी की SI 2016 का जजमेंट रिजर्व है, पर ऑनरेबल जज साहब ने अभी तक डिलीवर नहीं किया है, तो
तो इसमें तो साहब ये जज साहब का प्रेरोगेटिव होता है, सरकार कोर्ट का प्रेरोगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है उनका, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट जब जजमेंट रिजर्व है तो जजमेंट आएगा भी, लेकिन वही होता है ना, कानून मंत्री ने भी अभी चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग में और जो उनका सम्मान समारोह था उसमें कानून मंत्री ने भी कहा कि 3 साल से ज़्यादा अगर न्याय मिलने में देर हो तो उसे न्याय कहना थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है न्याय कहने में। फिलहाल ऐसे बहुत सारे मामले, किसी दिन डिटेल में इस पर चर्चा करूँगा कि किन कोर्ट में कितने मामले अभी पेंडिंग हैं और किन कोर्ट्स में कितने जजों की सीटें खाली हैं। हालांकि अभी 68 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की है जिन्हें उम्मीदवार क्या हाई कोर्ट्स में या न्यायिक अधिकारी हैं जिन्हें हाई कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि जितने पोस्ट खाली हैं हाई कोर्ट्स में उन्हें देखते हुए तो ऐसे रिकॉर्ड सिफारिशें कई बार करनी पड़ेंगी तब जाकर कुछ बात बनेगी। फिलहाल आज की बातचीत अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते, फिर हाजिर होंगे कुछ नए किस्सों के साथ। नमस्ते।